एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिवा। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज के न्यू व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप लोग एंजॉय करेंगे। तो फाइनली एक शादी से तो हम लोग फ्री हो चुके हैं और आप लोगों ने मेरे शादी वाले व्लॉग्स जो थे बहुत ही ज़्यादा पसंद किए, बहुत प्यार दिया और मेरी पूरी फैमिली से आप लोगों को मैंने मिलवाया था और आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। और अभी एक दो तीन शादियाँ और आ रही हैं और इंशाल्लाह वो वाले व्लॉग भी मैं आपके साथ में बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। फुप्पो के यहाँ पर अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं तो वो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ में शेयर करूँगी। और अभी जा रही थी मैं बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि जब से घर से आई हूँ ना मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी है, क्योंकि दो तीन दिन ना मेरी तबीयत ख़राब की वजह से ऐसे ही निकल गए। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल यूपी ब्लॉगर शिवा। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और अभी आप सोच रहे होंगे बड़े तैयार शैयार होकर ना व्लॉगिंग कर रही है, लेकिन हाँ मैं बता दूँ अभी मैंने ना एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है जो अपनी शॉपिंग आप लोगों के साथ में शेयर की है। और पूरा रूम ना मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि वो वीडियो ना बहुत लेट हो गया था और आप लोगों के साथ में आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे, फिर मैंने सोचा चले पहले उसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और काम का क्या है, काम तो अपना है, थोड़ा लेट कर लेंगे आज। तो आज ये देखो रूम की हालत दिखाती हूँ। अभी जा रही हूँ और अभी आज ना मुझे बेड की मतलब बेडशीट भी चेंज करनी है। और ये देखो मैंने ग्रीन वाली बेडशीट अपनी निकाल के रखी है, इसको मैं बिछाऊंगी। और इस वाली बेडशीट का ना मुझे अपनी का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बिछाने के बाद ना इतना अच्छा लुक आ जाता है रूम का, एकदम खिल जाता है मतलब। तो चलो रूम दिखा देती हूँ, देखो रूम की क्या हालत हो रही है। और ये देखो यहाँ पर बर्तन वर्तन ऐसे रखे हैं और सारे ये देखो सोफे पे कपड़े पड़े हुए हैं। आज इन कपड़ों को भी समेटूंगी, क्योंकि जब से घर से आई हूँ ना मैंने ना तो कोई व्लॉग बनाया ना कोई वीडियो शेयर किया, बस जो रिकॉर्डिंग वीडियो थी मेरे पास मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत अभी भी मेरी ठीक नहीं है, लेकिन काम तो करना है ना, तबीयत ठीक रहे ना रहे। और चार पाँच दिन हो गए मुझे घर से आए हुए। और ये देखो मैंने ना आज हेयर वॉश किया था और बालों में ना ये देखो मेरे बाल भी खुल गए। मेरे बाल में ना रबड़ रुकती ही नहीं है, हल्के हल्के से ना अभी गीले हैं। तो मैं फिलहाल अभी पहले रूम की जो है वो क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि बस मैं वीडियो तो बना रही थी, मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और गाइज वीडियो का आज पूरा ज़रूर देखिएगा, आज वीडियो में आपको मैं कुछ बताने वाली हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही मतलब बहुत ज़रूरी बात है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलो कंटिन्यू कर लेते हैं और बने रहिएगा आप मेरे साथ ब्लॉग में। पहले साफ सफाई कर लेते हैं, फिर आराम से बैठ के आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ अपने कामों में और मुझे ना डेली यूज़ में हल्की ही बेडशीट अच्छी लगती हैं बिछाने, और मेरे पास ना सारी हल्की बेडशीट अब ख़त्म हो चुकी हैं। अभी तक मैंने एक भी बेडशीट नहीं खरीदी है, सब मुझे ये शादी में मिली थी, अब ना सब हैवी बेडशीट बची हैं और मुझे ना अब ख़रीदनी पड़ेंगी। तो देखूँगी, मार्केट जाऊँगी, दो चार बेडशीट वगैरह लेके आऊँगी। बेडशीट तो हमने बिछा दी है, अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना बेड सेट होने के बाद। और ये देखो ये कितना गंदा लगता है ना, ये मून ने ना दोनों साइड के शीशे तोड़ दिए हैं, तो इसको ना अभी देखते हैं, या तो इसमें शीशे लगवाऊंगी या मैं इसको पूरे ना सिरियाने को ना चेंज करवाऊंगी, क्योंकि ऐसे ना बेड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये मैंने बेडशीट बिछा दी है और मुझे ना अपनी इस वाली बेडशीट का ना कलर बहुत ही प्यारा लगता है। चलो बेड तो हमारा सेट हो गया, बाकी फाइनली चीज़ें रूम दिखा देती हूँ। रूम की हालत ये देखो, ये तो अभी मैंने बेडशीट उतारी है और ये देखो सारे जो अभी मेरे पार्सल वार्सल आए थे ना, ये देखो वहाँ भी कपड़े रखे हैं और ये यहाँ पर बर्तन पड़े हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सुबह जो चाय पी थी ना बैठ के, और वो बर्तन भी यहीं पे पड़े हैं। और ये दूध देखो, ये दूध ना ख़राब हो गया, ये मैं मून के लिए लेके आई थी और मून ने पिया नहीं और ये ना रखा रखा ऐसे ही पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, तो मौसम भी चेंज है। और मेरे ये कपड़े पड़े हैं और इन वाले कपड़ों को, और ये देखो बैग मैंने खाली कर दिए थे लेकिन बैग अभी वैसे ही पड़े हैं, तो बैग तो फ़िलहाल अभी मैं अंदर नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे ना फिर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तो शादी ख़त्म हो चुकी है, दूसरी शादी फिर से स्टार्ट होने वाली है, तो फ़िलहाल मैं नहीं अभी रखने वाली हूँ मतलब बैग वगैरह, तो क्योंकि बार बार फिर मुझे ना निकालने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना ब्लैंकेट सेट कर दिया है और मून का बैग भी यहीं पे पड़ा हुआ है, उसको मैंने रात ना होमवर्क कराया था,
तो ये ना दोनों चीज़ मैं अच्छे से यहाँ पे सेट करके मैंने रख दी है। तो यहाँ साथ के साथ में ये कपड़े भी मैं उठा रही हूँ यहाँ से, इनको बस मुझे प्रेस करने हैं। पूरे कमरे की मैंने क्लीनिंग कर दी थी और फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ में ना ये सोफ़े भी सेट कर देती हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा देखे करते रहे ना तो सही रहता है, फिर अगर एकदम से मतलब करें तो फिर बर्डन भी ज़्यादा आता है काम का। और अभी हस्बैंड मुझे डांट रहे थे, कह रहे थे कि अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और तुम फिर से कामों में लग गई हो। और मेरा ना यही होता है, थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है मुझे लगता है मैं इस काम को भी कर लूँ। नीचे मुझे ना मून को कुछ खाने पीने के लिए उसके लिए बनाना है, उसका दूध भी मुझे गर्म करना है। और अभी बस नीचे चल रही हूँ, ये बर्तन वगैरह मुझे लेके जाने हैं। और टाइम देखो, टाइम दिखा देती हूँ आपको क्या हो रहा है। ये देखो उल्टा दिख रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कितना टाइम हो रहा है। तो भाई 2:45 होने वाले हैं, तो मैं नीचे चल रही हूँ और उसको मैं अभी सुला भी दूंगी। और फेस देखो मेरा कैसा हो रहा है ना। तो चलो नीचे चल के मिलती तो हूँ। अभी मैं आज आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, साथ में दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। और मून को ना आलू का पराठा खाना था, फिर मैंने सोचा चलो एक पराठा मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। वैसे तो सुबह ना रोटियाँ बन चुकी थी, फिर मून ने बोला कि मुझे पराठा खाना है, फिर मैंने सोचा चलो वैसे ही ये खाने पीने के लिए इतनी लापरवाही करता है, फिर बच्चा जब कोई चीज़ मांगता है ना तो उसको तुरंत बना के देनी चाहिए। इससे ना बच्चों को आदत भी पड़ती है खाने पीने की, और जब उनको उनकी मनपसंद चीज़ मिल जाए ना तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने दो पराठे डाले थे और साथ में मैंने भी मूंग। ये हमारे पराठे और ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। ये देखिए मैंने अपने लिए लिए हैं और साथ में मैंने लिया है लहसुन का अचार और हरी मिर्च का अचार, जो मैंने डाला था ना ये वही वाला अचार है। तो चले पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बहुत दिनों बाद अपने पीछे, मतलब पीछे वाले ग्राउंड में आ गई हूँ। और ये देखो पीछे कितने सारे बकरी बच्चे हो रहे हैं और छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो मुझे ना बहुत ज़रूरी, मतलब आप लोगों से जो बातें करनी थी ना, तो मैं ना यहाँ पे बैठ जाती हूँ और फिर आराम से ना आपसे बैठ के बात करती हूँ। और ये देखो छोटे छोटे से बकरी के बच्चे बहुत सारे हो गए हैं। ये देखो बहुत टाइम बाद मैं आज यहाँ बैठ के ना वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज मैं आप लोगों को जो बताना चाहती थी ना, आज मेरे साथ जो मतलब हुआ है ना वो किसी और के साथ ना हो, मैं इसलिए मैंने सोचा ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी है और ये जानना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज मीशो ऐप से सभी शॉपिंग करते हैं, मैं भी करती हूँ। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया है, मैं ज़्यादातर जो शॉपिंग करती हूँ वो मीशो से ही करती हूँ। तो मुझे ना मीशो की तरफ से कॉल आता है मतलब, और वो मुझे ऐसा मतलब बताते हैं कि आप ना बहुत सारे लोगों में लकी विनर, मतलब आपका जो नंबर है वो सिलेक्ट हुआ है और आप हमारे हमारे मतलब वैलेबल कस्टमर हैं और आपका लकी ड्रॉ निकला है और आपको हमारे मीशो की तरफ से मतलब सफारी सफारी गाड़ी टॉप मॉडल वो भी, तो वो आपको मतलब लकी ड्रॉ में मतलब दी जा रही है। तो आप गाड़ी लेना पसंद करेंगे या फिर आप उसकी जो अवेलेबल जो उसकी प्राइस है वो आप लेना पसंद करेंगे? तो भाई जाहिर सी बात है, मैंने उनसे बोला कि सर मैं गाड़ी लेना पसंद करूंगी। तो इंटरेस्टिंग सी बात है, मतलब गौर से सुनिएगा, मैंने उनसे बोला कि नहीं मैं गाड़ी लेना पसंद करूंगी, बाकी सब चीज़ मेरे पास है, फ़िलहाल गाड़ी नहीं है अपनी। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैम आप मतलब, फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना होगा इस चीज़ के लिए, गाड़ी लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैम आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको बस अपना पैन कार्ड और अपना जो आधार कार्ड है वो हमें आपको देना होगा। मैंने पूछा कहाँ पर देना होगा, कहाँ पर जमा कराना मतलब पड़ेगा ये? तो उन्होंने बोला कि मैम मैं आप अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए और मैं उस पर आपको हाई करता हूँ और वहाँ पर आप को मतलब अपनी ये जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, डॉक्यूमेंट्स है वो आपको देने होंगे और साथ में कुछ मेरे ख्याल से उन्होंने बोला था 3500 आई थिंक, हाँ
हाँ शायद इतना ही बोला था कि 3,500 समथिंग आपको एक फ़ी, छोटी सी अमाउंट फ़ी है वो जमा करानी पड़ेगी, और उसके बाद आपकी मतलब जो गाड़ी है आपके घर पे वो डिपॉजिट के तौर पे, मतलब वो जब आप ये सब चीज़ें जमा करा दोगे तो गाड़ी आपके घर पे डिपॉट कर दी जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने सोचा, मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं, कि आप इतनी फेक कॉल्स आती हैं, इतना ज़्यादा फ्रॉड आजकल चल रहा है, तो मैं आप पे ट्रस्ट कैसे करूं। तो वो कहने लगे कि नहीं मैम, बिल्कुल सही बात है आपने, मतलब उन लोगों का ना पूरी तरह से मुझे कन्विंस करने का, मतलब वो ये चाहते थे मैं पूरी तरह से कन्विंस हो जाऊं और मुझे ये लगे कि मैं वाकई में ही, मतलब ये कॉल मीशो से आई है। तो गाइज मैं आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे बता दूँ, ये कॉल मुझे मीशो से नहीं आई थी, ये बिल्कुल ही फ्रॉड कॉल थी। तो बताने का रीज़न सिर्फ मेरा आप लोगों को ये है, मीशो कोई भी ऐसी कॉल नहीं करता है, ना कोई ऐसा लकी ड्रॉ वगैरह मीशो निकालता है। तो जो लोग देखिए, इतने सारे लोग हैं जो मीशो से शॉपिंग करते हैं और इतने यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, जिन लोगों के रिव्यूज़ देख के मतलब मीशो ऐप को यूज़ करते हैं, तो वो किसी भी इस तरह की फ्रॉड कॉल का शिकार ना हो और किसी को भी अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल शेयर किसी के साथ ना करें, इससे आप लोगों का भारी नुकसान हो सकता है। तो जैसे मैंने उनके साथ थोड़ा सा मतलब बातचीत की और थोड़ी सी मतलब छानबीन की, तो उसने ना मुझे मतलब मेरी कॉल को ना होल्ड पे रख दिया। और कभी भी आपको कोई भी व्हाट्सएप पे बैक भी करने के लिए कहे या अपनी डिटेल देने के लिए कहे, तो बिल्कुल भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी उनके साथ में ना शेयर करें। और फिर मैंने उसके बाद तुरंत जैसे उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, तो उन्होंने ना मतलब मैंने मीशो के कस्टमर केयर को नंबर लगाया, वहाँ पर बात करी और मैंने उनसे पूछा क्या ऐसा है। उन्होंने बिल्कुल मुझे क्लियर क्लियर साफ बता दिया कि मैम ऐसा कोई भी लकी ड्रॉ नहीं चल रहा है और इस तरह की मीशो कभी भी कोई भी मतलब वो नहीं देता है, अगर देता है तो आपके जो बिजनेस अकाउंट है उस पे ही वो एप्लीकेशन पे मतलब एप्लीकेशन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इस तरीके से आप कभी भी आपको कॉल नहीं करता है। मैं ना स्क्रीन पे यहाँ पर जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी ना वो यहाँ पे लगा दूंगी, अगर आप लोगों के पास में इस तरह की कॉल आती है तो प्लीज़ सतर्क रहें और किसी के साथ अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। और बिल्कुल क्लियर बता दूं, मीशो की तरफ से कभी ये कॉल नहीं था। तो जो लोग डरते हैं ना मतलब के फ्रॉड कर लेगा, कोई कर लेगा, ये अदर्स कॉल्स होती हैं जो फ्रॉड के लिए आती हैं, तो इस तरह के किसी भी झांसे में ना फंसे। बस यही मुझे गाइस आप लोगों को बताना था और मैंने सोचा आप लोगों को बताना ज़रूरी है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, और सेफ रहिए, सावधान रहिए। और ये देखिए हमारे छोटे छोटे नटखट से बच्चे घूम रहे हैं ये। तो चले गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से बातें करेंगे, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।